हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबका वेलकम है निधि चौहान ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा कुछ छोटा सा होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। आपको हम चंदन दिखाने वाले हैं। तो जो चंदन नहीं होता, जो भगवान जी को हम लोग टिक्का करते हैं, चंदन लगाते हैं, वो चंदन आपको हम दिखाने वाले हैं। तो अभी देखिएगा चंदन का पेड़ कितना बढ़िया होता है, कितना अच्छा होता है। तो चंदन तो सबके घर में होते हैं ना, तो इसकी पूजा करी जाती है और भगवान जी के चंदन लगाया जाता है। और बहुत सारे लोग खुद भी चंदन लगाते हैं, तभी आपको दिखाएंगे चंदन, चंदन की पूजा की जाती है। और हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये क्या है। तो आप लोग पहचानते हैं कि ये क्या है? अगर आप पहचानते हैं तो बताइएगा मुझे ज़रूर कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, अरे थंबनेल में तो देख के जान ही गए होंगे आप इसमें ये क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड, ये है चंदन का फल। चंदन जो होते नहीं, चंदन लगाए जाते हैं, जो पेड़ होते हैं, चंदन के पेड़ जो होते हैं, उसके ये चंदन के फल हैं। ये चंदन जो भगवान जी को पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं चंदन, वो चंदन के फल हैं ये। तो आप सब देख सके हैं, और इसी से चंदन बनता है वो, तो उसके फल हैं। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो इसको ऐसे फोड़ के दिखाएंगे, इसको फोड़ देंगे, फिर इसमें देखिए ये देखिए कितने सारे चंदन के बीज ऐसे निकल आए हैं। तो ये सारे चंदन के बीज, इन्हीं को सुखाया जाता है, फिर इसके बाद इसको पीस के चंदन बनाया जाता है, भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो आप सब देख सकते हैं कितना बढ़िया, देखिए फल ये चंदन का ये निकल आया है। और आपको दिखा रहे हैं इसको, देखो ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया है चंदन, मतलब एकदम प्योर, मतलब कुछ भी मिलावट नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है ये। तो ये हमारे हाथ लगा हुआ है, तो भाई हम इसको लेके आए हैं, इसको हम सुखाएंगे, फिर इसको इसका चंदन बनाएंगे और फिर भगवान जी को चढ़ाएंगे अपने घर में रखेंगे हमेशा के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना मस्त, मतलब इसके बीज देखिए कितने अच्छे हैं। ये देखिए इसके बीज देखिए कितने बढ़िया हैं ये। और शुद्ध शुद्ध चंदन अगर आपको बनाना है, तो आप ऐसे इसके फली से आराम से अपने घर पर बना सकते हैं, देख सकते हैं।